Today we are going to look at some more traditional case studies. Uh, like we are talking about the Wilbrook experiment. Wilbrook experiment is very important and is classically known because he mentally retarded children ke upar kiya gaya tha. And those mentally retarded children were intentionally given the hepatitis germs like un mentally retarded mein hepatitis ke live germs ko induced to see कि उस डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन जो है वो किस तरीके से होती है और पेरेंट्स जो हैं उनके लिए ये एक ऑब्लिगेशन थी कि उनके मेंटली रिटार्टेड बच्चे सिर्फ उसी वक्त उस ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट हो सकते हैं जब वो ये इंफॉर्म कंसेंट साइन करके देंगे कि वो अपने बच्चों को इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाएंगे जबकि उन्हें ये नहीं बताया गया था कि इस एक्सपेरिमेंट का नेचर क्या होगा सो दिस इज़ वेरी अनएथिकल और उसके नतीजे में उनको बहुत सारी वायरल इन्फेक्शन फ़ेस करना पड़ी सो एक्सप्लाइटेशन ऑफ अ वर्नरेबल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट वॉज अ बिग क्वेश्चन इन दिस रिसर्च एंड विद होल्डिंग इन्फॉमेशन फ्राम द पेरेंट्स अबाउट कि जी इस तरह की एक खास पर्टिकुलर डिजीज़ जो है वह आपके बच्चे के अंदर हम इंट्रूट इन, इन, करें हैं इन्वेस्ट करें हैं उस डिजीज़ की प्रोग्रेशन होगी और उस प्रोग्रेशन को जो है वो स्टडी किया जाएगा साइंटिस्ट ने इसको जस्टिफाइड समझा कि अगर वह बच्चे मैंटली रिटार्डिड हैं तो उनकी हेल्थ को रिस्क पर डाला जा सकता है और इसके रिसर्च को नॉर्मल बच्चों को हेल्दी रखने के लिए यूज़ किया जा सकता है बट इन नाउ डेज़ वी कान डू एनी सच काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट अनदर वन इज़ द फेमस वन मिलगरम एक्सपेरिमेंट मिलगरम की स्टडीज़ जो हैं जो कि ओबीडियंस टू अथॉरिटी को स्टडी करने के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हैं इसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स को ये ऑटोनमी दी गई कि वो अक्रॉस दर्टन कुछ और पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको एक लिवर के थ्रू इलेक्ट्रिक शॉक्स देंगे द एक्सपेरिमेंट में वॉज नेम कि आप ओबीडियंस कितनी रखते हैं आप अथॉरिटी को कितना फॉलो कर सकते हैं अथॉरिटी आपको कह रही है कि आप लिवर को पुश करें जितना ज़्यादा आप पुश करेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक्स जो हैं वो सब्जेक्ट्स को मिल रहे होंगे अब उस एक्सपेरिमेंट्स में सब्जेक्ट्स की जो चीखो पकार थी उनका जो नॉइज़ था उनकी जो पेन थी Uh, वो uh, लोग सुन भी रहे थे लेकिन वो ओबीडियंस टू अथॉरिटी को फॉलो करते हुए उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दे रहे थे ऑल दो द एक्सपेरिमेंट वॉज लिटल डिसेप्टिव कि इलेक्ट्रिक शॉक उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से नहीं लग रहा था लेकिन वो पोटवे ऐसा कर रहे थे कि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़ोर से वो शॉक्स लग रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं लेकिन इससे एक ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी ये हुई कि uh, एक ह्यूमन सब्जेक्ट जो है Uh, उसके पेन को अंडरमाइन करते हुए दूसरा इंडिविजुअल उसको कितनी मैक्सिमम पेन इन्फ्लिक कर सकता है और उसमें कुछ बहुत क्लासिकल रिजल्ट सामने आए बट द वेरी नेचर ऑफ़ द एक्सपेरिमेंट वॉज अनएथिकल एंड द मेजर एथिकल प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन टू इट इज़ दैट मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंस वेरी हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस और उसकी वजह से कुछ ने एक खास स्टेज के बाद रिफ्यूज़ कर दिया कि वो इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं बन सकते

वो किया और एक बर्नरेबल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को यूज़ किया सो दैट एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो अ क्लासिक केस स्टडी विच इज़ स्टिल क्वेश्चनेबल द जिम्बार्डो प्रेजेंट स्टडी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस सिचुएशन में जब जिम्बार्डो ने एक स्टडी प्लान की कि वो एक स्पेसिफिक किस्म की रोल प्लेइंग का इफेक्ट देखना चाहता है सिमुलेशन का देखना चाहता है लेबलिंग का देखना चाहता है और एक वो सोशल एक्सपेरिमेंट करना चाहता है उससे पार्टिसिपेंट्स जो थे Uh, उनको एक पर्टिकुलर किस्म की अनप्लेजेंट uh, सिचुएशन में डाला लाइक like उन्हें कहा गया कि यू नीड टू बिहेव लाइक द प्रिजनर्स और रात के वक्त उनको अपने बिस्तर से सोए हुए उठाकर घसीट कर बहुत ज़्यादा उनके से म्यूजिव सलूक करते हुए उन्हें एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे सिमुलेशन थी एक प्रिजन लाइक वहाँ पे लाकर बंद कर दिया गया विच हैज़ डेफिनेटली हैम्पर देयर सेल्फ रिस्पेक्ट देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स और उनकी जो एक एक एथिकल उनके लिए ये सेटअप नहीं था कि उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता ऑल द देवर द स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी और उनके साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसके बाद उनको डिब्रीफ किया गया कि दिस वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट एंड यू वांटेड टू सी दैट एक सोशल सेटिंग के अंदर एक इंडिविजुअल कैसा फील करता है बट स्टिल दिस एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी मच क्वेश्चनेबल क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस क्रिएट किया था पार्टिसिपेंट्स में सो सच टाइप ऑफ अनथिकल स्टडीज़ आर नो लॉन्गर बींग यूज इन टू प्रैक्टिस दीज डेज ऐसी कोई भी रिसर्च दो पार्टिसिपेंट्स में इमोशनल डिसकम्फर्ट क्रिएट करती है जो पार्टिसिपेंट को किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल या फिजिकल हार्म देती है इस तरह की रिसर्च टूडेट अब हम प्रैक्टिस नहीं करते बल्कि इन पुराने एक्सपेरिमेंट्स को ही रिफ़र करते हैं कि वट कुड भी द पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑफ ऑल दीज थिंग विच आर बींग डन इन टू अ सोशल सेटिंग